अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइव विद मरियम में। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही सैड न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता ही है, आपने ये न्यूज़ सुनी हुई है किचन विद आमना की वीडियो में, आमना ने वीडियो अपलोड की थी। तो आज मैं सबको बताऊंगी कि अबू की डेथ कैसे हुई। किचन विद आमना की वीडियो में आप लोगों को सही पता नहीं चल सका, तो उस वीडियो में हमसे बोला नहीं जा रहा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ना आपके सामने एक छोटी सी वीडियो बना के आपके सामने पेश करूं, क्योंकि आप सब लोग इतना कह रहे हैं कि मरियम आप हमें लोग बना के बताएं क्या हुआ था, और इतने अच्छे मैसेज कर रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे हैं मेरे अबू को। तो मैंने सबसे पहले स्टेटस क्यों लगाया था इंस्टा पे सहरी के टाइम फजर की नमाज के बाद, कि मैंने इसलिए लगाया था कि मेरे अबू को सारी दुआ दे सकें कि वो जन्नत अलफरोज में अला मकाम हासिल करें, क्योंकि ये इतना प्यारा महीना है, इस महीने में मेरे अबू वफात पाए। तो जो बंदा अचानक ही चुप करके इस दुनिया से चला जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा जंती होता है। वो जंती क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद को बहुत अच्छी तरबियत दी, लिखाया पढ़ाया और अच्छी तालीम दी, भी उन्होंने किसी का हक नहीं माना, और अपनी औलाद को भी उन्होंने अच्छी तरबियत दी, तो इसलिए वो आज जन्नत में है मेरे अबू। और हमें इस बात का अफसोस नहीं है, मुझे इस बात से खुशी जाती है कि मेरे अबू जन्नत में है, मेरे अबू तकलीफ में नहीं है। तो अचानक ही हुई डेथ, कि मतलब उनको कुछ भी नहीं था, ना कोई बीमारी थी, ना कुछ थी, कुछ भी नहीं था। अच्छे भले खा के वो वॉशरूम से बाहर निकले हैं, तो फिर अचानक ही वो खाना खाने लगे थे, उन्हें भूख लगी हुई थी, वो कह रहे थे खाना ज़्यादा लेट हो गया था, जल्दी कर दो। अम्मी को किचन में थे और आशा और मैं ऊपर थे कमरे में, हम शूट करने के लिए रेडी हो रहे थे। तो अम्मी किचन में गई हैं खाना डालने के लिए, तो वो अम्मी ने ऐसे ही ना अब नीचे गिरे थे, आवाज़ सुनी कोई, जैसे आवाज़ निकल दी गले से, आवाज़ निकल नहीं सकती, सांस बंद हो रहा था, नीचे गिर गए थे। तो फिर क्या हुआ, मम्मी आई है तो अम्मी ने आवाज़ से हशर कर दी आशा और मुझे ऊपर से कि नीचे आओ, अबू को क्या हो गया। आशा और मैं बार बार के नीचे आए और देखा अबू मतलब नीचे गिरे हुए थे, और अबू की जुबान ऐसे मतलब टेढ़ी थी। फिर मैंने अपने अबू के दिल पे ऐसे हाथ लगाया, मैंने कहा अम्मी ठीक हो जाएंगे, हम समझे शायद बीपी लो हो गया है, अम्मी ने टांगे ऊँची कर ली अबू की, तो अब ठीक नहीं हो रहे थे। फिर मोमना भाभी आई, मोमना भाभी ने थोड़ा सा पानी डाला अब्बू के मुंह के अंदर, तो अब्बू की दो सांसें निकली, बस ऐसे लगी अब्बू का हाथ पकड़ा था और ठंडे बर्फ हो गए थे अब्बू। तो ऐसे हाथ मैंने अब्बू का पकड़ा और दिल को ऐसे ऐसे किया, तो अब्बू ने दो सांस लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल से दो सांस लिए, कि मैं वो दिन भूल नहीं सकती। और अब्बू के साथ ही दो सांस लिए, साथ ही अब्बू की हिचकी निकली एकदम ऐसे करके, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और अब्बू का कलर ऐसे येलो हो गया, और हम अभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बू को क्या हुआ है। फिर हमने हॉस्पिटल अब्बू को मतलब भेजा, फोन किए अली भाई को, अली भाई आए, बिलाल भाई आए, फिर उसके बाद सब अपने कामों पर गए थे। तो फिर उसको अब्बू को लेके चले गए हॉस्पिटल, तो हम घर थे, मम्मा मम्मी के पास थे, मम्मा मम्मी को किलर छोड़ना था, आशा और मैं हम घर थे। तो फिर उसके बाद फ़ोन आया अम्मी का, हम इतने खौफजदा थे, हमें ये था कि अबू हमारे ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो जाए। तो अम्मी ने फ़ोन करके मुझे बताया कि ना अबू अबू ना ख़त्म हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, हम आ रहे हैं अबू को लेके, तो तुम लोग चादर वगैरह सब कुछ ठीक करके रख दो। तो ये बात सुन के फिर उसके बाद मैंने अपनी अम्मी को हौसला दिया, कभी आप परेशान हो ना, हैरियत से आप घर आए, अबू को लेके हम सब कुछ कर लेंगे, बस ऐसे हुआ अबू के साथ। तो बस आप सब अबू के लिए दुआ करें इस टाइम, दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे साथ मिलके। मेरे अबू की मेरे हाथों में जान निकली है, मेरे अबू मेरे हाथों में हाथ, मेरे अबू के हाथों में हाथ में खा था, अबू की हिचकी निकली, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, और मुझे रातों में नींद ही नहीं आती। कि मैं जब ये सोचती हूँ कि मुझे बार बार ये सीन मतलब आंखों में आता है कि ऐसा हुआ था अबू के साथ, अबू का कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक इस दुनिया में ऐसे चले गए, पता ही नहीं चला। तो आप भी जब सुबह ना मैं सुबह उठती हूँ तो अबू एक सोफे पर बैठ के टीवी देखते रहते थे हमेशा सुबह ऊंची आवाज़ से। तो जब हम सुबह उठते हैं सब बहन भाई, तो एकदम हमें ऐसे हो जाते हैं कि कोई रौनक नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है, खामोशी है, बहुत मतलब टीवी लगाते थे, बहुत शोर मतलब मचाते थे, घर में खामोशी हो चुकी है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, बस ऐसे खामोशी है घर में। और देख वो सोच के हम हैरान होते हैं कि इंसान बिल्कुल ठीक था और आज हमारे बीच में नहीं है। बस ये कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी कि जिसके माँ बाप नहीं होते उस पर क्या बीतती है,
तो मैंने अपने आप में फील महसूस किया कि मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप है, मैं कितनी खुश नसीब हूँ थोड़े दिन पहले। तो आज जब मेरे अबू नहीं रहे तो मुझे अब फील हुआ कि बाप के जाने का दुख क्या होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगी जिसके अभी बाप जिंदा है ना, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि जब बाप चला जाता है कभी वापस नहीं आता, क्योंकि बाप एक होता है, जब दूसरा बाप हमें कभी नहीं मिल सकता। मैं आपसे कहना चाहूंगी बस अब्बू की दुआ करें और हम सब की दुआ करें, हमें हौसला मिले, क्योंकि हमें कभी हौसला नहीं मिल सकता अगर हम कोशिश करते हैं। अल्लाह हमें हौसला दे, हमें हिम्मत दे, हमें सबर दे, सुकून दे मेरे दिल को। अब्बू को सबसे ज्यादा प्यार मेरे से था, सबसे ज्यादा बहन भाइयों में से एक मेरे से और लाल भाई से बहुत ज्यादा प्यार था। वो जब भी आते थे काम से रात को, जब हम छोटे होते थे तो सबके लिए ना खाने वाली चीज लेके आते थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जैसे कहते हैं जीजी आई है, तो अब वो मेरे लिए ना एक शोपड़ अलग से रखते थे, सबको देते थे, कहते थे ये मेरी मरियम का शोपड़ है, ये मेरी मरियम चीज खाएगी, ये उसकी पसंद की चीज है। आशा चुप हो जाती थी, आशा कुछ नहीं कहती थी, आशा आशा पता था कि अबू ना मरियम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो ना अब मेरे लिए लहदा शोपर से ना निकाल के मुझे चीज़ें देती थी, मरियम की या मरियम खाएगी, और मैं इतना खुश होती थी मेरे अबू मेरे से इतना प्यार करते हैं। और जब मैं अबू से नाराज़ होती थी ना, तो अबू ना शाम का टाइम, अबू पता था मरियम आज सारा दिन से सुबह उठते नाराज है, तो जब शाम से काम से आते थे ना तो अबू ना मेरे लिए ना एप्पल लेके आते थे, अबू पता था कि मरियम को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ना जब मैं से दूंगा ये ना ठीक हो जाएगी, मेरे से बोलना शुरू हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो जब मैंने अब्बू के हाथ में एप्पल देख लिया, मैंने साथ ही मुस्कुरा देना, मैंने कहा अब्बू आपको कैसे पता चला है, अगर मेरी बेटी को ये पसंद आया तो वो खुश हो जाएगी, मेरे से बोलना शुरू हो जाएगी। तो जब मैं नाराज होती थी ना, अगर मतलब कभी खाना नहीं खाती थी, तो ना अम्मी मुझे ना कहती थी अब्बू आया कि तुझे से करेंगे आके, अब्बू रात को आना अपने मेरे अपने हाथों से नवाला खिलाना, ऐसे करके कि मरी तुम सारा दिन भूखी हो, तुम नाराज ऐसे क्यों कर रही हो, खा लो ऐसे खा लो। ये जो प्यार होता है ना सिर्फ बाप ही देखते हैं और कोई नहीं देखता अपनी बेटी का। जाहिर है जब हमारे अबू ने हमें अबू की वो पुरानी पुरानी जो हम छोटे थे सारी बातें हमें याद आई, और उस दिन जो अबू फोत हुए ना, जब उस दिन ना ऐसे था क्यामत से कम नहीं था वो दिन। बाकी लोग कहते हैं ना कि ऐसे होता है जब हम पे बीती है तो पता चला है कि वाकई सच बात है, वो क्यामत से कम नहीं दिन था, बहुत मुश्किल से वो दिन गुजरा, बहुत मुश्किल से सब ने हमें दूसरे को हौसला दिया, बहन भाइयों को, मेरी अम्मी को हौसला दिया, सब ने मिलकर दूसरे में दिया, अभी भी हौसला दे रहे हैं, अब अपनी अम्मी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आप सबके भी इतने मैसेज आ रहे थे इंस्टा पे कि मेरे पापी आप अपनी का अम्मी का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्यों आपकी अम्मी का ना आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जाहिर है कि हम अपनी अम्मी के बच्चे हैं और हमारी अम्मी अकेली है, तो हम मिलकर आपस में अपनी अम्मी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी आज जिसके माँ बाप जिंदा है अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि माँ बाप जैसी चीज दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई बड़ी नेमत नहीं है। तो बस अपनी माँ बाप की कदर करें और उसको कभी दुखी ना करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें, जो वो कहना कहते हैं वो पूरा करें, अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करें, जो माँ बाप कहते हैं वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते। औलाद को हमेशा माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा ना अपनी अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। तो अब्बू के साथ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मैंने अब्बू के लंच बनाया, तो मुझे नहीं पता था कि एक पिक्चर, मैंने आशा से कहा था आशा एक पिक्चर क्लिक करो, तो वो पिक्चर लास्ट पिक्चर थी मेरे अब्बू के साथ, कि मुझे नहीं पता था कि लास्ट पिक्चर होगी ये वाली। तो अबू को वाला लंच बहुत ज़्यादा पसंद आया था, अबू ने खाया, अबू ना रोटी नहीं खाते थे, खाली सालन खाते थे शौक से। तो आप साहब मुझे इतना कह रहे थे कि मेरी माँ भी आपकी आपने अबू को रोटी बना के दी थी सालन के साथ, तो अबू खाते नहीं थे रोटी, अबू या ब्रेड खाते थे या फिर ना खाली सालन खाते थे शौक से, तो इसलिए मैंने खाली सालन बना दिया था अबू को। तो अबू ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था उस वीडियो में, मतलब मैंने वीडियो बना ली थी साथ अबू के लिए, लंच बना लिया था क्योंकि मोमना भाभी और अम्मी ना हॉस्पिटल गए थे तो बेबी हुआ था तो घर में कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने अबू की ना फरमाइश पे ये वाला सालन बना दिया, चिकन का सालन, और अबू को बहुत मज़ा आया था। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने अपना सारा दुख दिल का दुख आपके साथ शेयर किया, बस दुआ में याद रखिएगा हमारी फैमिली को, हम सबको बहन भाई को अम्मी को, कि हमें सब्र अता करे अल्लाह, और मेरे अबू को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम अता करे, आमीन। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने अब्बू के साथ एक वीडियो लास्ट अफ्तारी अब्बू के साथ की थी, कि हमें नहीं पता था कि ये अफ्तारी लास्ट है अब्बू के साथ, तो वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि
क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड करनी थी, तो मतलब उसी उसी दिनों में अबू की डेथ हो गई थी, तो इसलिए वो वीडियो लेट हो गई, अपलोड नहीं हो सकी। तो सबसे बड़ी बात है उस वीडियो में हम सब थे, आमना भी और साथ उमेर भाई भी, हम सब मैं अबू के साथ मिलकर हम अफ्तारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में वही आपके साथ शेयर करूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।